वेलकम गाइस, मैं वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया टेस्टिंग कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट है हमारे सामने। हम इसको कहते हैं पॉलीथिलीन फिल्म सीट्स, जिसका IS कोड है BIS ने जो जारी किया है, जिसका IS कोड है 2508-2016, लेटेस्ट स्टैंडर्ड है। और ये हमारे पास सामने एक फिल्म है जो ब्लैक होती है, जो पॉलीथिलीन मटेरियल की बनी होती है। इसकी हम टेंसाइल टेस्टिंग करेंगे, टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि इसकी टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने। इसके लिए आपको क्या 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 जरूरत पड़ेगी मैं बताता हूँ आपको। इसके पहले थिकनेस पता होनी चाहिए। थिकनेस पता करने के लिए पास ये थिकनेस गेज होनी चाहिए, जिसकी जो माइक्रोन में आपको मेज़र कर सके थिकनेस। ठीक है, ये थिकनेस गेज होनी चाहिए। मेजरिंग स्केल की जरूरत पड़ेगी, जिसकी लिस्ट काउंट 0.5 mm की होगी, 300 mm इसकी रेंज है। और आपको ये टेंसाइल टेस्टिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, जिससे स्पीड होनी चाहिए 100 mm पर सेकंड। ठीक है, सॉरी पर मिनट, 100 mm पर मिनट इसकी स्पीड है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऑन करता हूँ मैं इसको। ये ऑन किया हमने, ये देखिए लोड वगैरह ये सब आ रहा है। तो इसके लिए टेस्ट करने से पहले हमें क्या करना है, सैंपल को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। इसकी जो कैपेसिटी आप देख सकते हो 200 kg की है। चलिए पहले सैंपल प्रिपेयर करते हैं, फिर इस पर आते हैं। सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए हमें जो IS ये रेफ़र करता है, हमें सैंपल प्रिपेयर करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें ये रेफ़र किया जाएगा IS 13360 Part 5 Section 1 और Section 3। आप इन दोनों सेक्शंस को ओपन करके उसमें आप देख सकते हैं सैंपल प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें ये दिया गया, अगर आपकी सैंपल की थिकनेस क्या है 100 microns लेके 240 microns के बीच में है, तो आपको जो है उसमें टाइप, सैंपल टाइप जो डाई टाइप बोला गया, सैंपल को प्रिपरेशन का टाइप उसमें दिया गया है Part 5 Section 3 में। उसमें क्या क्या है कि अगर आपका थिकनेस जो 100 microns से लेकर के 240 microns के बीच में है, तो आपको Type 2 की सैंपल प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर आपकी थिकनेस क्या है 250 से एबव है, तो आपको Type 5 के अकॉर्डिंग सैंपल प्रिपेयर करना है। तो हम लोग Type 2 के अकॉर्डिंग इसकी थिकनेस जो है 100 microns की है, मैं आपको मेज़र करके दिखाता हूँ। सैंपल की थिकनेस नाप रहे हैं, ये हमारे पास सामने जो है थिकनेस गेज है, जिसकी लिस्ट काउंट है 1 micron की है। देखिए मैंने इसका नाप लिया, इसकी जो थिकनेस आ रही है 132 micron आ रही है, यानी इसका 132 इसकी क्या है थिकनेस है। जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर इसकी थिकनेस क्या हो 100 micron से लेकर के 240 micron के बीच है, तो उसके लिए Type 2 का सैंपल प्रिपेयर करना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ Type 2 का सैंपल कैसा होता है। Type 2 का सैंपल जो होगा आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैंपल प्रिपेयर करने के लिए आपको इसे स्टैंडर्ड माना पड़ेगा। स्टैंडर्ड का कोड है IS 13360 Part 5 Section 3। इसमें बोला इसकी थिकनेस जो है, स्पेसिमेन 2 है हमारा, इसकी थिकनेस मतलब इसका जो सैंपल प्रिपरेशन ऐसा कुछ होगा, जिसकी लेंथ होगी 150 mm, विड्थ होगी 25 mm, मतलब कि 20 लेके 25 mm, और जो हमारा टेस्ट एरिया होगा उसकी लेंथ होगी 100 mm। ठीक है, इसकी लेंथ आप जो टोटल ओवरऑल लेंथ कह सकते हैं, जो 150 मिनिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा रखे तब भी ठीक है, अगर 150 रखते हैं तब भी ठीक है। चलिए मैं प्रिपेयर करके दिखाता हूँ सैंपल। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने जो सैंपल, इसकी लेंथ जो है 150 mm, विड्थ है 25 mm। तो अभी क्या है, उसमें मार्क करना है हमको, क्लैंपिंग मार्क करना है, यानी किनारे से जो हमारा टेस्ट सेक्शन होना चाहिए 100 mm होना चाहिए, जैसा ये बोला 100 mm, 100 mm को छोड़ के जितने बच रहे हैं वो अपना क्लैंप एरिया होंगे। तो ये 150 है, तो इसमें 100 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 150 बच जाएंगे, तो 25 इधर मार्क कर लेते हैं, वो क्लैंप एरिया हो जाएंगे। तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 25 mm का मार्क कर लिया दोनों ओर, और जो ये बीच की लेंथ है, ये जो लेंथ आप देख रहे हो ये 100 mm की है, और ये जो है 25 की है, यानी 100 + 25 क्या हो गया 150 mm, तो 150 mm टोटल लेंथ। और ये अब सैंपल को मैं क्लैंप करता हूँ अपने टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में, ये जो जॉज है इसमें। चले करते हैं अर्ज़ की, हमने थिकनेस ऑलरेडी हमने नाप रखी है, मैं बताना चाहूँगा ये थिकनेस हमने 5 जगह से नाप रखी है, और इसकी थिकनेस आ रही है 110 माइक्रोन इसकी थिकनेस है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको ऊपर का क्लैंप कर दिया, जितना लाइन हमने मैंने मार किया, और नीचे का ये है, इसको ऊपर ले जाना पर नीचे जॉस को। इसके लिए क्या करना है हमें, ये नॉर्मल मैं बता दूँ स्टार्ट स्टॉप का ये बटन है। अभी मैंने क्या करना है, सब जीरो कर लेंगे, हम इसको अनलोड करेंगे, अनलोड पे ऊपर जाएगी, लोड पे नीचे आएगा। तो ये अभी देखेंगे, ये ऊपर जा रहा है 100 mm पर मिनट की स्पीड से, ये ऊपर जा रही है मशीन, हमारे जो ये क्लैंप है ये ऊपर जा रहा है। और इसमें मैं बता दूँ, अभी जो हमारा रीडिंग मैं ले रहा हूँ न्यूटन में ले रहा हूँ, देखिए आप चाहें तो इसको kg में भी ले सकते हैं, यूनिट में कन्वर्ट करूँगा तो kg में आ जाएगा, बट मैं न्यूटन लूँगा क्योंकि एक्यूरेसी न्यूटन में ज़्यादा अच्छी आएगी, ज़्यादा अच्छी रीडिंग आएगी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सैंपल को क्लैंप कर दिया ऊपर नीचे दोनों तरफ 25 mm क्लैंप हो गया, और ये टेस्ट सेक्शन जो है 100 mm का है। अब इस पर हम टेस्ट अप्लाई करें, इसके लिए सबसे पहले हमको स्टार्ट बटन दबाना है। स्टार्ट बटन दबाने, देखिए आपका पिक और ये स्टार्ट ऑन हो गया। अगर जब हम स्टार्ट नहीं ऑन रहेगा, अगर हम लोड लगा देंगे तो ये क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, सैंपल टूट जाएगा, वापस 0 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब टेस्ट करते हैं, यहाँ पर लगा दिया हमने, फोर्स लगाते हैं, ये लोड लगा रहे हैं, लोड बटन ये देख सकते हैं, लोड दबाएँ। अब ये सैंपल पे देखिए, देख सकते हैं आप, लोड लगना स्टार्ट हो चुका है और हमारी रीडिंग भी आने लगी है, ये न्यूटन में आ रही रीडिंग। अभी आप देखते रहिए, इस मशीन की कैपेसिटी पहले ये बता दूं आपको, 200 kg तक है, और लिस्ट काउंट इसकी क्या है, 0.01 kg इसकी लिस्ट काउंट है। अभी देखिए 56.4 इस पर फोर्स लग चुका है, और ये सैंपल ये बीच से देखिए टूटने सा लगा है, श्रिंक हो रहा है, ये सिकुड़ रहा है, बट अभी भी इस पर फोर्स लग रहा है। ये इसलिए नहीं इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम फोर्स पे लग चुका है। अब इसके बाद क्या है, ये हमारा पिक फोर्स दिखा रहा है, देखिए आपको देख सकते हैं पिक फोर्स दिखा रहा है ये, और सैंपल की हालत देखिए क्या हो गई है। एलोंगेशन इसमें आ रहा है, बट स्ट्रेंथ जो है इसमें देखेंगे बस 56.4 मैक्सिमम पिक पे आके रुक गई है, बस इसमें अब एलोंगेशन इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से ये बस एक्सटेंड होते जा रहा है, और कुछ नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल टूट चुका है पूरी तरह से, ये सैंपल की हालत देखिए, और ये टूट चुका है, और ये मैक्सिमम फोर्स जो हमारा इतना है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, इसे करने के लिए हमारा जो मैक्सिमम लोड आया, मैक्स लोड आया था जो हमने देखा था 56.4 न्यूटन आया था, ठीक है, और हमने इसका विड्थ निकाल रखा था, विड्थ था इसका 25 mm, और इसकी थिकनेस थी इसका 110 माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन मीटर। हम इसको क्या करते हैं, सबको पहले एक कन्वर्ट करते हैं, देखो इसको हम लोग mm में कन्वर्ट कर लेते हैं माइक्रोन को, तो यानी मैं आपको बता दूँ 1 mm इक्वल टू होते हैं 1000 माइक्रोन, ठीक है। तो अब हम इसको अगर करेंगे तो 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1/1000 mm, सो 110 माइक्रोमीटर इक्वल टू हो जाएंगे 0.110 mm, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। अब हम करते हैं फॉर्मूला, हमारा हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ के का फॉर्मूला होता है मैक्स लोड और ब्रेकिंग लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैक्स लोड हमारा कितना आया था, 56.4 न्यूटन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब विड्थ इनटू थिकनेस, डब्ल्यू इनटू टी। विड्थ हमारे कितने थे 25 mm, थिकनेस कितनी थी 0.110 mm, ये हो गया mm स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देखते कितना, कैलकुलेशन किया तो हमारा आ गया 20.59 न्यूटन, इसकी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। लेकिन बट हमें जानते हैं स्टैंडर्ड में कहता है, उनको चाहिए होता है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू तो 1/10 kg होता है, ठीक है, और आपको जैसा पता होगा 1 mm इक्वल टू होता है 1/10 cm, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो हो जाएगा 20.5, अब न्यूटन को यहाँ कर देंगे तो मल्टीप्लाई 1/10, mm को ऊपर करेंगे mm स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर, या नीचे है इसमें तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें करते 1010 कैंसिल हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 205.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम
टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं किसी भी पॉलीथीन मटेरियल की, जिसकी थिकनेस होगी 100 माइक्रोन से लेकर 240 माइक्रोन के बीच। थैंक यू।